फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो कि ओरेकल सीरीज का पांचवा वीडियो है, हम लोग सीखेंगे ओरेकल के अंदर अल्टर स्टेटमेंट का इस्तेमाल। अल्टर स्टेटमेंट का जो चार इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है वो है, पहला इस्तेमाल है कि आप अल्टर स्टेटमेंट के जरिए किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम ऐड कर सकते हो। दूसरा काम है कि आप किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के डेटा टाइप को या विड्थ को या दोनों को मॉडिफाई कर सकते हो। तीसरा काम है कि किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल में जो कॉलम एग्जिस्ट करता है, आप चाहो तो उसको ड्रॉप कर सकते हो, आप चाहो तो उसका नाम भी चेंज कर सकते हो। तो कैसे हम लोग ये सब काम करेंगे, आइए बिना समय गवाए हम लोग सीखते हैं इसको प्रैक्टिकली। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी SQL कमांड लाइन खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स नाम का। सबसे पहले तो मैं डिस्क्राइब टेबल नेम कमांड के जरिए आप लोगों को दिखाता हूं कि देखिए, ये जो स्टूडेंट्स नाम का टेबल है इसमें पहले से तीन कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम रोल है, दूसरा नेम है और तीसरा कोर्स है। ठीक है, मुझे ऐसा कहा जाता है कि आपको एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम आईडी होना चाहिए, डेटा टाइप नंबर होना चाहिए और विड्थ जो है वो 5 होना चाहिए। तो अब आपको एक कॉलम ऐड करना है, तो आप इसके लिए यूज करोगे अल्टर टेबल। यहां पे अल्टर कमांड हो गया और उस कमांड के बाद आप जो कुछ भी लिख रहे हो ना, वो सब उसका पैरामीटर है, आर्गुमेंट है। आपको चूंकि स्टूडेंट्स नाम के टेबल में ऐड करना है एक कॉलम, तो आप उसके बाद टेबल का नाम देते हो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड। अभी जिस नाम से आपको कॉलम ऐड करना है, जो कॉलम का नाम है वो आप देते हो। जैसे मुझे आईडी नाम से कहा गया ऐड करने के लिए, तो मैंने आईडी दिया स्पेस। इस कॉलम का क्या डेटा टाइप होगा, मुझे कहा गया है नंबर, मैंने नंबर दे दिया। आपको जो भी टाइप अपने कॉलम के लिए देना होगा आप नंबर के अलावा वो भी दे सकते हो। फिर ब्रैकेट ओपन और विड्थ मुझसे कहा गया है 5, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने 5 दे दिया। ओके, अभी सेमी कोलोन देके जैसे ही मैं इंटरप्रेस करता हूं, देखो यहां पे मैसेज आ गया टेबल अल्टर्ड। अभी टेबल अल्टर हो चुका है, आईडी नाम का कॉलम जिसका डेटा टाइप नंबर है और विड्थ 5 है वो अब ऐड हो चुका है स्टूडेंट्स नाम के टेबल में। अभी कैसे हम लोगों को पता चलेगा, तो मैं डिस्क्राइब स्टूडेंट्स कमांड चलाता हूं और देखता हूं कि वाकई जो पहले से तीन कॉलम था वो 4 हुआ कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, देखो यहां पे एज अ फोर्थ कॉलम आईडी ऐड हो चुका है जिसका डेटा टाइप नंबर है और विड्थ जो है वो 5 है। हालांकि अगर अभी आप सेलेक्ट कमांड रन कराओगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये जो कॉलम ऐड हुआ ना, इसमें तो वैल्यू है नहीं। तो आपको पहले से मैंने बता रखा है कि आप अपडेट कमांड कैसे यूज कर सकते हो, तो जो भी नया कॉलम बाद में आपने ऐड किया, एक या एक से अधिक, आप अपडेट कमांड से उसके वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कैसे आप किसी एग्जिस्टिंग टेबल में कोई कॉलम ऐड करोगे। ये सिंटैक्स नंबर 1 को मैंने बता दिया आप लोगों को। अब सेकेंड जो जॉब है, आपको ऐसा कहा जाता है कि अभी क्या है ना कि आईडी को आपने नंबर रखा है, इसका विड्थ 5 है। अब आपको कहा जाता है कि नहीं नहीं 5 जो विड्थ दिया ना आपने वो कम है, आपको इसको 8 करना है। मतलब डेटा टाइप सेम होगा, विड्थ को सिर्फ आपको बढ़ाना या घटाना है। तो आप लिखोगे अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स नाम के टेबल में ही आपको अल्टर करना है, मॉडिफाई, यहां पे ऐड के जगह पे मॉडिफाई कीवर्ड यूज होगा। किस कॉलम को मॉडिफाई करना है भाई, तो आईडी कॉलम को मॉडिफाई करना है। डेटा टाइप तो भाई नंबर ही कहा गया रखने के लिए, लेकिन विड्थ जो है वो मुझसे कहा गया कि आप 5 से 8 कर दो, तो मैंने 8 कर दिया। ब्रैकेट के अंदर मैंने 8 लिख दिया। अभी सेमी कोलोन प्रेस करके जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूं, देखो फिर से मैसेज आ गया टेबल अल्टर्ड। ओके, अगर अभी आप यहां पे डिस्क्राइब स्टूडेंट्स करोगे, तो देखो जहां पहले आईडी नंबर टाइप लेकिन विड्थ 5 हुआ करता था, अभी ये 8 हो गया है। मतलब कि कॉलम जो आपका है उसका विड्थ चेंज हो गया, वो अल्टर हो गया। अभी यहां मैंने सिर्फ विड्थ चेंज किया। अभी आपको कहा जाता है ना कि नहीं नहीं आप ऐसा करो ना कि नंबर को वर्कर 2 कर दो, मतलब टेक्स्ट टाइप कर दो, विड्थ वही रहने दो। तो मैं लिखता हूं अल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई, कॉलम का नाम आईडी है,
डेटा टाइप वर्कर टू होना चाहिए जैसा कि कहा गया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वर्कर टू। ओके, विड्थ 8 ही रहने दो। अभी देखो अगेन टेबल अल्टर्ड। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं डिस्क्राइब करके, तो ये देखो ऐसा हो गया है ना। आप चाहते अगर आप यहां पे 8 की जगह पर सपोज विड्थ भी आप चेंज कर देते, आप 10 दे देते, तो डेटा टाइप नंबर से वर्कर टू तो होता ही होता, और विड्थ जो 8 का 8 ही रह गया चूंकि आपने यहां पे 8 ही दिया है, अगर आप यहां 10 दे देते तो विड्थ भी क्या हो जाता, 10 हो जाता। ठीक है, अब आपसे कहा जाता है ना कि नहीं आईडी जो कॉलम का नाम है ना, आप इसको आईडी ना देके इसके नाम को चेंज कर दो, आप इसके नाम को कर दो स्टूड आईडी, ताकि ज्यादा जो नाम है ना वो अपीलिंग हो कि हाँ भाई ये आईडी स्टूडेंट का आईडी है, इंप्लॉय का आईडी नहीं है, या टीचर का आईडी नहीं है, या कोर्स का आईडी नहीं है, तो स्टूड आईडी कर दो। तो यहां पे आप अनदर सिंटैक्स यूज करोगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम, यहां पे मॉडिफाई नहीं रीनेम कीवर्ड चलेगा, रीनेम कॉलम। अभी देखो इससे पहले आपने कॉलम कीवर्ड ना तो ऐड करने में लगाया था और ना मॉडिफाई करने में लगाया था, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। आप जब रीनेम करोगे तो आपको कॉलम कीवर्ड लगाना है। आप लिखते हो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम कॉलम, कौन सा कॉलम को आप कौन सा कॉलम है जिसका नाम चेंज करना है, तो भाई वो तो आईडी है टू। आईडी जो है ना जो एग्जिस्टिंग नेम है, जो ओल्ड नेम है, वो आपको पहले देना है, और टू के बाद आपको नया वाला नाम देना है, तो नया वाला नाम जो है वो स्टूड आईडी है। ठीक है, अभी सेमी कोलोन देके आप इंटरप्रेस करते हो। आपने लिखा अल्टर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम कॉलम आईडी टू स्टूड आईडी। अभी आप डिस्क्राइब करो स्टूडेंट्स को अगेन, तो आप देखोगे कि जो नाम आईडी था ना कॉलम का, वो अब स्टूड आईडी हो गया, डेटा टाइप तो जो था वही है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा ऑपरेशन। चौथा ऑपरेशन है अल्टर कमांड का, कि आप इससे किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, यहां पे ध्यान ये देना है कि वैसे कॉलम्स को डिलीट ना ही किया जाए तो बेहतर है जिसमें ऑलरेडी कोई वैल्यूज हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स करके दिखाऊं, तो यहां पे स्टूड आईडी चूंकि मैंने अभी अभी ऐड किया था, तो ये इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। बेहतर है कि आप इसी को डिलीट करो, या फिर सपोज कोर्स को डिलीट करते हो, आपको पता है कि कोर्स नाम के कॉलम में जो भी वैल्यूज हैं वो फिर से मुझे मिल जाएंगे, तो आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल वे में जो है ना वैसे ही कॉलम को आपको ड्रॉप करना होता है जो अननेसेसरी ऐड हो चुका है। तो कैसे आप ड्रॉप करते हो, चलो स्टूड आईडी को ही मैं ड्रॉप करता हूं। तो मैं लिखता हूं अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम। देखो यहां पे भी कॉलम कीवर्ड लगाना है, रीनेम में और ड्रॉप में आपको कॉलम कीवर्ड लगाना है, जबकि ऐड में और मॉडिफाई में आपको कॉलम कीवर्ड नहीं लगाना है। तो लिखते हो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम जो कि स्टूड आईडी है, सेमी कोलोन देके आप इंटरप्रेस करते हो। देखो मैसेज आ गया टेबल अल्टर्ड। अब आप डिस्क्राइब करके देख लो स्टूडेंट्स को, तो देखो यहां से जो चौथा कॉलम स्टूड आईडी था वो ड्रॉप हो गया। तो इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने अल्टर स्टेटमेंट के बारे में सीखा, इसके चार अलग अलग इस्तेमाल्स को हम लोगों ने सीखा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये कमांड नोट डाउन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट में आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर कोई कमी है तो आप लोग उसको भी बताएं, और फर्दर आपको फ्यूचर में कोई कमांड की ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि किस कमांड पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए ओरेकल सीरीज का, ताकि मुझे वीडियो बनाने में हेल्प मिले। अगर वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी अपडेट मैं अपने इस चैनल के थ्रू दूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।